मेरा ऐसा मोटा वाला ले ले भाई, अपना मोटा ऐसा ये। अरे बहुत जोर का भूख लगा हुआ हमको तो, अब पेट में ना चूहा फूद रहा है। 23 का 2 इडली, इडली भी बहुत छोटा छोटा हमने तो। गाइस अपने को इतना ज्यादा भूख लगी है ना, इतना भयानक वाला भूख लगी है ना कि बता नहीं सकते यार। इधर बहुत सारा रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई तो खाना ही नहीं खिला रहा, बंद किया हुआ है। यही वाला 150 का है, फुल बाजू 200। श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग नहा धो लिए, पूजा पाठ कर लिए और अभी अपन लोग मार्केट की ओर निकले वाराणसी में। तो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कैसा मार्केट है, कैसा सुबह के टाइम यहाँ पे लगता है, मतलब जो प्रसाद ये सब जो भी माला वाला बिकती है ना भगवान का पूजा के लिए, सारा कुछ हम आपको दिखाते हैं। ये बाजार के बारे में और कैसे क्या देता है ना, वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये देख रहे हो भाई, पूरा मार्केट एकदम बहुत ही बड़ा यार, मतलब हर जगह देखोगे ना तो भाई सिर्फ मार्केट ही ओपन है। और अभी अपन लोग को भूख भी लगी है, तो अभी अपन लोग क्या खाएंगे पता नहीं कि चल रहा भाई। सारा लोग इधर गया, मंटू सब कहाँ भाग गया भाई, इधर है देखो। तो ये देख रहे हो सारा कुछ एकदम यार, मतलब पूजा के टाइम में ना काफी सारे लोग इस टाइम, मतलब अभी बज रहा है 11 बज रहा है और इस टाइम का भीड़ काफी अलग ही हो गया। सुबह आए थे ना हम लोग 7-8 बजे आए थे ना, उस टाइम भीड़ उतना नहीं था। अभी देखो प्रसाद का भीड़, ये देख रहे हो भाई, मतलब रस देखो इधर, खाना ये सब खाने वाला एकदम प्योर वेजिटेरियन है गाइस, कोई भी नॉनवेज कुछ भी नहीं, ना लहसुन ना प्याज, प्योर वेजिटेरियन इधर खाना मिलती है हर जगह। और ये देखो ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और इधर देखो पूरा प्रसाद ही है। अगर अपन लोग टी शर्ट लेंगे ना तो टी शर्ट का देखो रेट पता करते हैं, कौन सा टी शर्ट लेगा ना महाकाल वाला। चलो भाई ठीक है, तो अभी देखते हैं महाकाल का टी शर्ट का रेट, क्योंकि हम लोग तो भाई टी शर्ट वाला यहीं से तो पूछ गया था। महाकाल फुल बाजू 200, हाफ बाजू 150। या भाई महाकाल का ये लिया हुआ भी, टी शर्ट भी लेगा महाकाल का। ऐसा कलर में लोगे क्या जी? यही वाला 150 का है, फुल बाजू 200। फुल बाजू तो भाई फुल बाजू 200 और हाफ बाजू 150 रुपए का। तो यही है, और भी बहुत सारी दुकान है भाई आसपास में, बहुत सारी दुकान है, ये सिर्फ एक ही नहीं। जहाँ पे तुम्हें सस्ती मिले ना वहाँ पे ले लो। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही रेट बोल रहे हैं भैया, बट फिर भी आए हो कहीं पे तो महंगा तो मिलेगा ना। इधर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? छोटा है, अच्छा छोटा नहीं है, पहन के ट्राई करके देख लो ना एक बार, ट्राई करके देखो। अभी ट्राई करके देखेगा राहुल, कम ऑन भाई, कम ऑन, हो जाएगा, हो तो गया भाई। नहीं यार थोड़ा बहुत बाजू एकदम लूज लग रहा है। मंटू देखो फूल बाजू ले लो भाई, फूल बाजू वाला सही है भैया, फूल बाजू वाला दिखा देना। हाफ बाजू वाला तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, बाजू देख रहे हो बॉडी तो बेचारा का मतलब नहीं है, बट फूल बाजू वाला सही लगेगा। ये कलर भी सही है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, प्लस फूल बाजू में अच्छा भी लगेगा यार, पहन ले भाई। ये तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा राहुल, बटन बटन लगा हुआ है। ओरे भाई साहब, सेंटीमीटर गया था? नहीं भाई थोड़ा बहुत, बट सही है। ये वाला सही लग रहा है, देखो सही है ना ये वाला, पीछे होना थोड़ा राहुल, देखो ये सही लग रहा है, पीछे से भी सही है, आगे से भी सही है, सही लग रहा है। तो भाई गली गली में भी काफी कुछ बिक रहा है, देख रहे हो कपड़ा, पूजा करने का सामान, बैग, जो भी पूजा करने वाले होते ना अंदर बैग वैग लेके जाना नहीं होता है, तो यहाँ लॉकर फ्री में रख दो और फिर पूजा करने का सामान ले लो। तो ये लोग फ्री में लॉकर में रखते हैं सामान, सारा कुछ, बैग, फोन, चप्पल जो भी हो सारा कुछ ये लोग फ्री में रखते हैं। पूजा वाला देखो, मतलब अगर तुम्हें फ्री में रखवानी है तो पूजा का सामान लो, फिर फ्री में सामान रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ है। बंदे क्या उधर से, बंदे भाई बंदे बोल रहे हैं, अरे बंदे बोल रहे हैं यार, चलो ना उधर से क्यों जाना भाई बेफालतू का, भाई इधर भूल जाते हैं अपनों को रास्ता भी।
बंद है ना भाई, बंद रास्ता कोई इधर ओपन करवा देता सरदार यार, कहीं भी कुछ भी भाई। तो ये खाने पीने का भी इधर है, प्लस पूजा पाठ का सारा कुछ मिलता है। ये देखो कितने श्रद्धालु लोग जा रहे हैं अभी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा रस होती है। सुबह आए थे ना तो कोई भीड़ भीड़ था ही नहीं, ज़्यादा कुछ था लेकिन उतना भीड़ नहीं था, लेकिन अब भी देखोगे ना तो हर जगह लाइन ही लाइन चल रहा है। सिर्फ ये भी सब सामान मिलेगा सारा कुछ, जो भी पूजा पाठ का होता है, प्लस कपड़ा है सब। ये चंदन और फिर ये वाइट क्या है, कड़ा ले रहा है, ये कड़ा लेगा। ये भगवान जी और ये देखो शंख, ये शंख है, ले ले भाई माला वाला ले लो, रुद्राक्ष का माला ले लो, मेरा ऐसा मोटा वाला ले ले भाई, अपना मोटा ऐसा, ये मेरा इतना मोटा है, देखो तो चेक कर तो भाई, सेम है, सही है भाई। हमारा तो पतला सा हाथ है यार, ये देखो कितने का है, पतला हाथ है हमारा, कैसे बोल रहा है मोटा यार, उसका हाथ देखो भाई ज्यादा मोटा वाला लेना है तो भाई मोटा वाला लो, समझा, हाँ हेवी वाला लो, लेना है तो हेवी वाला लो, नहीं तो मत लो। हम काला ब्रिज में गए थे, मेरा वाला कड़ा से कितना चोट लगा मंटू जानता है ना, मंटू भाई भाई कूद, ओ माय गॉड भाई, जब लेना ही नहीं था पहना क्यों, तो बहुत ज्यादा चोट इसको लग रहा था। मेरा तो इतना मोटा है ना फिर भी चोट लगती है, स्टार्टिंग में बहुत सारा चोट लगा था भाई, बट अभी सही है, अभी उतना झेल लिया मेरा हाथ का ये, तो अब सही है। इधर से चलेगा या फिर इधर से आए थे हम लोग, इधर चलेगा, चलो इधर से। हम लोग ना डायरेक्शन चेंज कर करके जा रहे हैं, उधर से भी घूम के गए थे ना, तो डायरेक्शन चेंज करके ही हम लोग आए थे, और इधर से भी डायरेक्शन चेंज करके ही जा रहे हैं। तो ये सारे लोग देखो, सारे लोग डायरेक्शन चेंज करके हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हो भाई, ऊपर देखो, यहाँ पे अगर सामान रखोगे ना, इतना कुछ रखोगे तो तुमको बदले में प्रसाद लेना पड़ेगा, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, फ्री में सामान रखो, बस पूजा का सामान वहाँ से लेके जाओ। 150 स्टार्टिंग होती है, 150 का सामान, 250, 300, 500, 1000 तक के सामान ले सकते हो पूजा का, लेकिन 150 से स्टार्टिंग होती है, 151 रुपया से। ये देखो ये टी शर्ट भाई, काफी अच्छा अच्छा टी शर्ट है यार, काफी सारी है भाई। ये देखो हम ना अभी तक केला पहली बार देखे इधर, कहीं भी नहीं दिख रहा था हमें, तो लगी है भूख। इधर खाने पीने वाला भी काफी कुछ है आगे के साइड, तो अभी पहले कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में चलेंगे, खाना पीना खाएंगे, क्योंकि बहुत जोड़ों की भूख लगी है हमें। ये देख रहे हो सारा कुछ अभी बंद है यार, कुछ कुछ दुकानें अभी बंद है, और बाकी मार्केट देख रहे हो क्या मस्त भयानक सा लग रहा है यार मार्केट। इधर तो आते वक्त एक रेस्टोरेंट देखे थे ना इधर भाई, आगे होगा मे भी, और ये देखो ऐसे रोड पे मिलता है सारा कुछ, ज़्यादातर इधर मिलता है वो मसाला डोसा ये सब मिलता है ज़्यादातर। हमने ना जहाँ भी देखा ना इधर पूरी कचौड़ी और फिर सब्जी और फिर मसाला डोसा ये सब ज़्यादा कुछ मिलता है भाई। बहुत जोर का भूख लगा हुआ है हमको, तो अब पेट में ना चूहा कूद रहा है, ये पेट देख रहे हो, चूहा कूद रही है इसमें भाई, इतना जोर का भूख लगा है अपने को, बट देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। तो खाना पीना खाएंगे मस्त वाला भाई, खाने वाला किधर है यार, खाने वाला दिख जाना फिर तो भाई, मतलब एकदम कूद पड़ेंगे उस पे खाने के लिए। इधर भी है लेकिन मसाला डोसा है, खाएगा मसाला डोसा, बड़ा पाव बड़ा भी है, मसाला डोसा भी है, इडली भी होगा शायद, पूछे देखे, देखते यहाँ बड़ा भी है, देखते रेट इसका, रेट से बाहर का रेट है। तो इसका दो इडली, इडली भी बहुत छोटा छोटा, हमने दिल्ली में भी खाया है 80 का दो पीस इडली, बस उसका इडली में दम था भाई, बट इसका इडली में कोई दम नहीं, बड़ा 60 का दो, जिसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मसाला डोसा कोई क्वालिटी का नहीं, लेकिन 100 रुपये पीस दे रहा था मसाला डोसा, तो इसी कारण से इसको इग्नोर करके अपन लोग आगे बढ़ गए। तो आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कोई अच्छा सा खाना जो कि कम रेट में मिल जाए, पेट भर जाए वो अच्छा होगा, क्योंकि पेट काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका अपना, स्विमिंग भी ज़्यादा देर तक की है ना इसी कारण से, 30 मिनट कंटिन्यू बहुत ज़्यादा पानी में स्विमिंग की है, उसके कारण और भी ज़्यादा भूख लग चुकी है अपने को। अरे यार कोई अच्छा सा मिल जाना जहाँ पे अच्छे से खा सके हम लोग। तो यार भीड़ तो कम ही ना रहा, रेस्टोरेंट इधर ही था यार, मतलब जो खाना तुम्हें इधर उधर ना मिले ना सस्ता, वो तुम्हें रेस्टोरेंट में सस्ता मिल जाएगा भाई, ये तो 100% है। तो बस इधर अच्छा वाला शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट मिल जाए जल्दी से यार, आते वक्त अपन लोग देखे थे यार शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट था, बट अभी नहीं दिख रही यार, किधर है
ये सब तो और भी महंगा देते होंगे, बट एक बार इनसे भी रेट पूछ के देखते हैं मसाला डोसा का। अच्छा ये तो उत्तपम बना रहा है भाई, उत्तपम का रेट पूछते हैं। तो गाइस अपने को इतना ज़्यादा भूख लगी है ना, इतना भयानक वाला भूख लगी है ना कि बता नहीं सकते यार। इधर बहुत सारा रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई तो खाना ही नहीं खिला रहा, बंद किया हुआ है। किसी में जा रहे हैं तो उसमें कुछ खाए लायक है ही नहीं खाना। भूख इतना ज़ोर से लगा ना कि भाई सर में दर्द हो रहा है, आगे चला नहीं जा रहा है। तो क्या ही बोल सकते गाइस, अभी अपन लोग यहाँ से ऑटो करते, ऑटो भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो अभी कैसे ऑटो करके जाएँ। अभी अपन लोग रिक्शा से जाएंगे आगे, कुछ चरवाहा कुछ ऐसे करके जगह बोला, वहाँ से ऑटो मिलेगा स्टेशन का, तो वहाँ से स्टेशन जाएंगे और फिर स्टेशन में खाना खाएंगे। तो थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए सोच रहे हैं गाइस कि वीडियो को यहाँ पे एंड कर दें, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है भूख के कारण। 11-12 बज रहा है यार, इधर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा सोचो। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, पहले खाते हैं उसके बाद देखते हैं गाइस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। भूख के कारण कुछ मिला नहीं तो अपन लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। सोच लो यार इधर मतलब क्या है यूपी, देख लो यार, खाने के लिए कुछ ना मिलने के कारण अपन लोग जूस पी रहे हैं गन्ने का। अभी बहुत ज़्यादा पेट में सारे लोग का मतलब बहुत तेज का भूख लगी है यार, समझ ही सकते हो, 12 बज रहा है तो 11-12, तो इसी कारण से जूस पियेंगे और यहाँ से पैदल आगे जाएंगे, फिर वहाँ से ऑटो लेकर स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाना पीना खाएंगे, मिलता है स्टेशन के पास।